फोकस जो है अब जो है डेब्ट कंसोलिडेशन के ऊपर किया जा रहा है अलोंग विद द फिजिकल डेफिसिट कंसोलिडेशन प्रोग्राम के साथ। पुअर और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन कौन से प्रोविजन रखे गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने देखिए अपनी स्पीच में कहा फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री इज दैट ऑफ द पुअर। तो ये आप मेंस में जो इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की एक कोटेशन है, फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री इज दैट ऑफ द पुअर। फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्स ऑफ कंट्री इज दैट ऑफ पुअर, इट इज ऑफ द पुअर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन जो कि आप यूज कर सकते हैं पॉवर्टी वगैरह से रिलेटेड जो भी आपको लिखने के लिए आते हैं मेंस में। 25% एडिशनल सीट जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दी जाएगी। अब आपको पता है कि 10% रिजर्वेशन जो है जनरल कैटेगरी वालों को भी दी जा रही है जो कि पुअर है, और टारगेटेड एक्सपेंडिचर भी जो अर्बन रूरल डिवाइड को जो है कम करने के लिए भी जो है किया जा रहा है, और जितने विलिंग हाउस होल्ड हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहते हैं उनको जो मार्च 2019 तक जो है कनेक्शन दे दिए जाएंगे अंडर सौभाग्य स्कीम। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन कौन से प्रोविजन रखे गए हैं। एलोकेशन जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए जो 21% से इंक्रीज की गई है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए एलोकेशन जो है बजट में 58,166 करोड़ रखी गई है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे बजट एस्टिमेट है 1920 के, तो 58,166 करोड़ जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए रखी गई है। अरुणाचल प्रदेश जो रिसेंटली जो है एयर मैप में जो आ चुका है, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो है केम टू इंडिया रेल मैप जो है फर्स्ट टाइम की यहाँ पर रेलवे बनाई गई है। कंटेनर कार्गो मूवमेंट जो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो चलाया जा रहा है, और नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हमारी कंट्री में जो है 100 हो चुके हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हमारी कंट्री में 100 हो चुके हैं, और सबसे नया जो एयरपोर्ट है वो पेंगयोंग एयरपोर्ट जो है सिक्किम में जो बनाया गया, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने भी सीडीएस के टेस्ट में पूछा था, तो पेंगयोंग एयरपोर्ट जो हमारे सिक्किम में लोकेट किया। वनरेबल सेक्शंस के लिए क्या क्या किया जा रहा है, देखिए हमारी न्यू कमेटी जो है नीति आयोग के अंडर जो है बिठाई जाएगी, जिसमें जो है डी नोटिफाइड जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनसे रिलेटेड ये जो है इनको जो आइडेंटिफाई करेगी, और न्यू वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट जो सेटअप किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट वेलफेयर ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। डिफेंस के लिए जो बजट एलोकेशन सबसे ज्यादा रखी गई है, 3 लाख करोड़ जो है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जो है डिफेंस सेक्टर के लिए जो बजट एलोकेशन रखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेलवे की, तो कैपिटल सपोर्ट जो है रेलवे उसको जो है 64,587 करोड़ जो है दी जाएगी बजट एस्टिमेट्स में है, और जो इनका टोटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा वो जो 1,50,658 करोड़ रहेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखिए एक सिंगल विंडो बनाने की बात की गई है, जिसमें जितनी भी क्लियरेंसेस चाहिए होगी शूटिंग से रिलेटेड वो जो है बनाई जाएंगी, जिससे जो हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स हैं उनको जो है हेल्प मिलेगी, और रेगुलेटरी प्रोविजन को जो है थोड़ा सही बनाया जाएगा, और सबको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर जो है रखा जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि जो भी फिल्म बनाने वाले होंगे वो खुद सेल्फ डिक्लेयर करेंगे कि हमने कोई भी जो है किसी का भी मटेरियल नहीं चुराया और अपना ही सारा बनाया है उस तरीके से। और पायरेसी जैसे फिल्म की पायरेसी होती है, जैसे सिनेमा में फिल्म लॉन्च हुई तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको फिर अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, तो ऐसी पायरेसी को रोकने के लिए जो है सिनेमेटोग्राफी एक्ट को भी जो है अमेंड किया जाएगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड ट्रेडर्स के लिए जो है कौन कौन से प्रोविजन रखे गए हैं, 2% जो इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी ऐसे हमारे एमएसएमईज को जो कि 1 करोड़ लोन लेते हैं और जो है जो कि जीएसटी के अंडर जो है रजिस्टर्ड है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और एटलीस्ट 3% ऑफ द 25% सोर्सिंग ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग विल बी फ्रॉम वुमेन ओन्ड एसएमईज, और रिन्यूड फोकस जो है किया गया है इंटरनल ट्रेड के ऊपर। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है उसका नाम जो है चेंज करके अब जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया गया, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम चेंज करके अब जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया गया है, और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो भी जीआई टैग वगैरह हमारी कंट्री में दिए जाते हैं उनको जो डीआईपीपी जो कि अब जो है डीपीआईआई हो चुका है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड जो है देखता है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है डिजिटल विलेजेस, तो देखिए डिजिटल इंडिया काफी अच्छा प्रोग्राम है हमारे पीएम मोदी जी का, और ये जो है जुलाई 2015 में जो लॉन्च किया गया था। बजट में ये कहा गया कि गवर्नमेंट टू मेक 1 लाख विलेजेस इनटू डिजिटल विलेजेस ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। अदर अनाउंसमेंट जो है इसमें न्यू जो है एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है बनाया जाएगा, ये जो एक नेशनल प्रोग्राम रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है मशीन जो है ये रन करती है, और रोबोट्स वगैरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हमारा पार्ट है। सर्टेन कमांड्स और प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इनको जो है रन करते हैं। ये कुछ और बातें फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अपनी स्पीच में कही, उन्होंने कहा कि 3% ऑफ द फिजिकल डेफिसिट को जो है हम अचीव करेंगे 2020-21 तक, और इंडियाज का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो जो है 46.5% रहा इन द ईयर 17-18। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो रहता है, मान लीजिए अगर हमारी जीडीपी, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको भी, मान लीजिए हमारी जीडीपी 100 रुपये है तो हमारी कंट्री कितना जो है लोन लेती है, जैसे हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूट वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक उनसे,
तो सिर्फ 40 रुपए लोन लेगी। अगर 100 मान लीजिए हमारी जीडीपी है और हमारी अगर गवर्नमेंट जो है 40 लोन लेगी तो इट इज 40% जो है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हो जाएगी। तो इन परसेंट हमारी जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 17-18 में रही, ऊपर 6.5% रही। लेकिन अगर हम जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया कि 40% ही हमारी जो है डेप टू जीडीपी रेशियो जो है 2024-25 तक रहनी चाहिए। और इसमें यह बात की गई है कि फिजिकल डेफिसिट जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है इसमें यह कहा गया कि 2021 तक जो हमारा फिजिकल डेफिसिट 3% तक जो आ जाना चाहिए। कुछ एक अचीवमेंट्स की बात की गई है। 2019 में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कैसी रही, इंडिया जो है इस टाइम जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड। एवरेज इन्फ्लेशन जो है 2019 में जो है 4.6% रही। इन्फ्लेशन जो है दिसंबर में काफी डाउन रही, दिसंबर 2018 में 2.19%। और फिजिकल डेफिसिट जो हमारा 3.4% रहा 2018-19 में। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2.5% ऑफ जीडीपी रहा। और इंडिया अट्रैक्टिव मैसिव अमाउंट ऑफ एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जो 239 बिलियन डॉलर जो हमारी जो है लास्ट 5 ईयर्स में जो है एफडीआई है। एफडीआई जो है हमारी कंट्री में दो रूट से आती है, वन इज गवर्नमेंट रूट, सेकंड वन इज ऑटोमेटिक रूट। जो गवर्नमेंट रूट है उसको भी जो है हमारे डीआईपीपी जिसका नाम जो अभी जो चेंज कर दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, वो जो है इसको जो है गवर्नमेंट रूट जो है एफडीआई का उसको देखता है। दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह आपके लिए जो है वीडियो लाऊं तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए और दूसरों की हेल्प भी जरूर करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए। और भी बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो है कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।